नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति और आज की वीडियो है कंटिन्यूएशन ऑफ द टू डू फैमिली एक्टिविटी। उससे पहले मैं पिछली वीडियो की विनर अनाउंस करूँगी, तो करेक्ट आंसर देने वाले पहले मेरे व्यूअर थे रुचि सांगवान। अ बिग शाउट आउट टू यू गर्ल एंड लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। बट बिफोर दैट, इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। आज भी हमने सब इकट्ठा कर लिया है सोविनेर्स एंड शो पीसेस एंड हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मुझे याद है उसके बारे में। नंबर वन इज़ दिस फ्रिज मैग्नेट जिस पे लिखा है कुआलालंपुर। ये मैंने कुआलालंपुर से ली है, वहाँ के तिब्बत मार्केट से। कुआलालंपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया और इस पे वहाँ के कुछ लैंडमार्क बिल्डिंग्स छपी हुई हैं लाइक दिस। ये सिमिलर दो टावर्स हैं जिनका नाम है पेट्रोनास ट्विन टावर। ये वहाँ के लैंडमार्क है। 91 स्टोरीज हैं इसमें, काफ़ी बड़े हैं। एंड इसके ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ का फेमस मॉल KLCC मॉल है। उसके अलावा ये बिल्डिंग भी यहाँ की फेमस बिल्डिंग है, इसका नाम है द मिनारेट। यहाँ से यहाँ पे टिकट लेना होता है, ये आपको टॉप पे लेके जाते हैं। आई थिंक 120 फ्लोर जितना ऊंचा है ये, और यहाँ से पूरा कुआलालंपुर दिखाया जाता है। उसके अलावा यहाँ की करेंसी रिंगिट है यहाँ की करेंसी। जब मैंने ट्रैवल किया था तो एक्सचेंज रेट था 18 रुपीज़ वॉज वन रिंगिट। तो इंडिया के कंपैरिजन में तो थोड़ा एक्सपेंसिव है मलेशिया। यहाँ से मेरी मेमोरी ये है कि हमने पहली बार यहाँ पे Airbnb बुक किया था स्टे करने के लिए एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड पहला यहाँ से एक नया वर्ड जो मैं सीख कर गई थी वो ये था कि आई फर्स्ट टाइम रियलाइज व्हाट इज़ अ कॉन्डोमिनियम। वहाँ पे सारे बिल्डिंग्स को शॉर्ट में कॉन्डो बोलते थे। सो कॉन्डो इज़ अ हाई राइज बिल्डिंग जो जनरली जिसमें अपार्टमेंट्स हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट पीपल, वो रेंट आउट करते हैं। प्लस यहाँ की एक और मेमोरी जो है वो ये है कि यहाँ पे ऊबर ओला बहुत टाइम से चलता है। तो जब मैं यहाँ गई थी मुझे ऊबर ओला नहीं यूज़ करना आता था, तो आई आस्क्ड माय ब्रदर टू यूज़ इट फॉर अस ताकि हमें कैब मिल सके। एंड उसने कुछ इस तरह से यूज़ किया कि कैब 3 घंटे तक दिखा रहा था इट्स ऑन द वे एंड इट नेवर केम। तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे मलेशिया में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि यहाँ की टैक्सीज के ऊपर लिखा होता था टैक्सी TEKSI, सो दैट इज़ हाउ दे राइट टैक्सी। फार्मेसीज की स्पेलिंग वहाँ पे होती थी FARMASI, फार्मेसी। तो उनकी इंग्लिश बहुत ही सिंपल थी, जो बोलते थे वही लिखते थे। एंड वहाँ के पब्लिक वॉशरूम्स के बाहर वॉशरूम नहीं लिखा होता, वहाँ टंडास लिखा होता है TANDAS टंडास। तो एंड वहाँ पे इंडियन वॉशरूम्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल थे। सो दिस इज़ माय मेमोरी मलेशिया। नेक्स्ट ये छोटा सा डॉगी जैसा, पिगी बैंक जैसा है कुछ। ये मेरे भाई ने मुझे बर्थडे पे दिया था एंड ही टोल्ड मी दिस इज़ नॉट अ पिगी बैंक, ये एक विश बैंक है। इसमें ही आस्क्ड मी टू पुट ऑल माय विशेस एंड जैसे ही वो कंप्लीट होती जाएं आई विल टेक इट आउट। सो ही टोल्ड मी कि ही वांट्स कि ये पिगी बैंक विश बैंक, ही वांट्स टू सी इट फुल एंड देन ही ऑल्सो वांट्स मी टू सी इट एम्प्टी by doing my hard work. This is special and I always keep it with me. Then is this. ये भी फ्रिज मैग्नेट है, लंदन से ली हुई है। इसमें लंदन के 3 फेमस लैंडमार्क्स हैं which is the London Eye। ये झूला है यहाँ का सबसे बड़ा झूला जहाँ से पूरा लंदन दिखता है। देन द लंदन ब्रिज जिसकी हमने बहुत सारी पोएम्स भी सुनी है, द लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन बचपन से। एंड देन सॉरी
ये लंदन ब्रिज है एंड ये है बिग बेन। बिग बेन यहाँ का बेसिकली एक क्लॉक टावर है, बहुत बड़ी क्लॉक है। और ये न्यूज़ में भी आई थी कुछ टाइम पहले, जब इसको रिपेयरिंग के लिए बहुत सालों बाद बंद किया गया था, एंड इट बिकेम एन इंटरनेशनल न्यूज़, आई रिमेम्बर दैट। इससे मेरी ये मेमोरी है कि मुझे हमेशा से लंदन एक बार विज़िट करना है, और जब भी मैं नहीं जा पाती, मेरा भाई ऐसी कहीं जगह जाता है, तो आई रियली आस्क हिम टू गेट समथिंग फॉर मी। तो दिस बिकम्स लाइक माई गोल्स और ड्रीम्स और विशेज़ कि कभी मैं जब जाऊँगी तो ये मेरे विश लिस्ट पे है। नेक्स्ट इज दिस, ये एक पूरा हैंडमेड पेन है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। दिस इज़ गिवन टू मी बाय माई हस्बैंड। ये वहाँ साउथ अफ्रीका में, एक्चुअली ही टोल्ड मी कि वहाँ पे दो रेसेस हैं प्रीडोमिनेंटली, वाइट्स एंड नॉन वाइट्स। ये क्रूगर नेशनल पार्क वहाँ का जो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, जिसकी बहुत सारी वीडियोस नेशनल ज्योग्राफिक पे भी मिलेंगी, ये वहाँ से लिया गया है। सो साउथ अफ्रीका इज वॉज बेसिकली नोन फॉर अपार्थीड, विच इज़ अ काइंड ऑफ रेसिज्म। वहाँ पे जिस प्रकार का भेदभाव होता था, जिसे डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने फिनिश किया था। एंड माई हस्बैंड टेल्स मी साउथ अफ्रीका इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू विजिट। सो लेट्स सी, मे बी सम टाइम इन फ्यूचर आई विल बी एबल टू गो देयर। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है एक्चुअली, और मुझे आई थिंक भगवान ने इतना सुंदर पूरे वर्ल्ड को बनाया है दैट वी शुड एक्सप्लोर ईच एंड एवरी प्लेस, चाहे इंटरनेशनली चाहे डोमेस्टिकली। एंड आई थिंक द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ इज़ ट्रैवल। थोड़ा सा वर्क करो, थोड़ा सा सेव करो, एंड गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। योर फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, वी डोंट नो हम कितना कब तक हैं इस दुनिया में, सो एटलीस्ट एन्जॉय बाई ट्रैवलिंग। नाउ लास्ट इज दिस, ये भी एक फ्रिज मैग्नेट है बट ये एक डायरी है। दिस हैज़ हेलसिंकी रिटन ऑन इट। ये भी मेरे भाई ने ही ली है। हेलसिंकी से, हेलसिंकी इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड इज़ अ यूरोपियन कंट्री जो बहुत ही अच्छे खासे लैटिट्यूड पे है। दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर अ फिनोमिनन कॉल्ड नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स बेसिकली क्या है, जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड्स के साथ रिएक्ट करती है, तो स्काई में बहुत ही कलरफुल तरीके की शावर ऑफ लाइट्स दिखती हैं, जिसको नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं। ये नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड, ऐसी जगहों पे दिखती है, एंड पीपल एक्चुअली गो टू दिस प्लेस टू सी दिस। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल फिनोमिना। दिस वॉज एक्ट ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे बोलते हैं कि सनसेट बहुत देर तक होता है। सो माई मेमोरी इज़ माई ब्रदर वॉन्टेड टू स्लीप इन द नाइट एंड इट वॉज 11 PM, बट वहाँ सनसेट नहीं हुआ था। सो दिस इज़ इट। नाउ अगेन वील बी हैविंग अ कॉन्टेस्ट टुडे। आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि क्रूगर नेशनल पार्क ऑफ साउथ अफ्रीका हैज़ विच टू फेमस एनिमल्स जिसको देखने के लिए मोस्टली लोग जाते हैं। सो डू कॉमेंट एंड टेल मी योर आंसर्स। एंड guys, if you are loving my content, please, please, please comment in the comment section and give me a feedback. Thank you. See you soon.